भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। या जुले, नमस्ते, सलाम सभी को। आज हम एक बहुत ही खास दिन के उपलक्ष में यहाँ पर जुटे हैं। यों तो हम पिछले 39 दिनों से यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। बहुत से लोग कोई एक एक दिन के, तो कोई 3 दिन के, कोई 5, कोई 7, कोई 9, कोई 10, कोई 21 दिन के, जो कि गांधी जी के सबसे लंबा अनशन था। तो हम उसी पथ पर शांतिपूर्वक अपने लद्दाख के संरक्षण की मांग या फिर वादे जो सरकार ने हमसे किए, उन्हें हम याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और लद्दाख को भी लोकतंत्र के जो फल हैं पूरे देश की तरह मिले, ये हम उन्हें निवेदन कर रहे हैं, बहुत ही सब्र से, बहुत ही शांति से, जैसा कि एक प्रतीक बना हुआ है पूरे भारत में कि लद्दाख के लोगों ने कितनी शांति से प्रार्थनाएं करके, दुआएं करके यहाँ पर इतने दिनों से, 39 दिनों से अनशन करके, खुद पर दुख देकर सरकार को अपनी मांगे याद दिलाने की कोशिश की। तो आज का दिन इसलिए बहुत बहुत विशेष है क्योंकि जिस संविधान के प्रावधान की हम मांग कर रहे हैं, 6वें शेड्यूल की, अनुच्छेद 244 के, या फिर लोकतंत्र की बहाली की, ये सब इसी संविधान में निहित है। और बाबा राव भीम राव अंबेडकर जी ने, बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर जी ने, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ, उन्होंने भारत को नेतृत्व दी संविधान बनाते समय। उस कमिटी के वो नेतृत्व में आगे रहे और फिर एक ऐसा संविधान दिया जो भारत के लिए बहुत ही एक रोशनी बनी है आज तक आजादी से। तो इसमें पूरा संविधान के बारे में तो हम क्या कहें और कितना कहें, मगर आज के इस संदर्भ से, हमारे इस आंदोलन के संदर्भ में अगर देखें, तो उन्होंने भारत माता की तरफ से अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ रखा संविधान में, जिसको कि आज इज्जत करने की जरूरत है और उन पर चलने की जरूरत है आज के भारत के सभी नेताओं को। तो जो 6वें शेड्यूल की हम मांग कर रहे हैं, वो भारत माता के जो ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े अलग जीवन शैली से जीते हैं, उनके लिए खास कुछ दवा, खास कुछ नुस्खा, जैसे कहिए, रखे गए हैं, जो अलग हैं, जो कमजोर हैं, उनको बराबरी देने के लिए, चाहे वो जाति अलग अलग हो या जनजाति हो भारत में, जो कभी पहाड़ों में रहते हैं अपने तरीके से, या फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के जंगलों में रहते हैं, उस विविधता को न सिर्फ सहने की बल्कि और प्रोत्साहन देने की और संरक्षण देने की बात उन्होंने इस संविधान में रखा, जिसे आज हमें याद करने की जरूरत है। उन्होंने सबकी बराबरी की बात नहीं की, समानता की ही नहीं, बल्कि समता, न्याय समता की, जिसे हम इक्विटी कहेंगे। इक्वालिटी तो हम सबको समझ आता है, इक्वल, सब बराबर हों, मगर उससे भी ऊपर है एक बड़ा धर्म, वो है इक्विटी। इक्विटी का मतलब समता, सिर्फ समानता नहीं, समता और न्याय समता, जिसका मतलब है कि बराबर कहें तो फिर हर किसी को बराबर दें। आप सोचिए, एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बिल्कुल हट्टा कट्टा पहलवान है, एक कमजोर रह गया है किसी बीमारी से हो या किसी भी वजह से हो, बराबर करूंगी बोल के अगर माँ दोनों को एक गिलास दूध दे तो फिर बराबरी नहीं होगी। जो पहलवान है और जो कमजोर है, उसमें फर्क करने की जरूरत है, उसी को इक्विटी कहते हैं। जो परिस्थितियों को समझकर न्याय किया जाए वो न्याय समता है, और जो बराबरी, जो गणित का बराबरी है, मैथमेटिकली इक्वल, वो फिर इक्वालिटी है। भारत के संविधान में इक्विटी पर जोर दिया गया है कि जो कमजोर है उसे चाहे 1.5 गिलास देना पड़े तो उसमें किसी को एतराज नहीं होनी चाहिए। ये अलग हैं, इनके साथ कुछ विशेष किया जाए तो ये भी कल को बराबर होंगे। ये सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान की, इक्विटी
का भी ख्याल रखना, सिर्फ इक्वालिटी नहीं कि आप अमीर से अमीर हैं उनको भी वही, जो गरीब से गरीब हैं उनको भी वही, जो बिल्कुल अलग जीवन शैली संस्कृति में हैं, पहाड़ों में हैं उनके साथ भी वही, और जो शहरों में बहुत फायदे जिनको मिले हैं उनको भी वही। तो वो समानता होगी मगर न्याय समता नहीं होगी। तो इसलिए भारत उन अग्रसर देशों में है जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, जो ये नहीं कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ना हो, सब बराबर है। भारत पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, जिसमें कि जो कमजोर हैं उन्हें थोड़ा पॉजिटिव अलग कुछ खास दिया जाए, ताकि वो भी अपनी कमजोरी से निकलकर या अपनी संस्कृति की रक्षा करके भारत की विविधता को बनाए रखे। तो इसका आज हमें जश्न मनाने की जरूरत है, जो हमारे संविधान के निर्माताओं में, जिसमें अंबेडकर जी अग्रसर थे, नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने ऐसा संविधान दिया जिसमें हर एक का ख्याल रखा जाए और इक्विटी सबको मिले। और इसी वजह से भारत ने जो डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव है, कहीं वो सीटों के आरक्षण हो, उसका हमें संदर्भ समझना चाहिए। बराबर हो बोलने से हम बहुत तुच्छ छोटे बन जाते हैं कि कमजोर और ताकतवर सबको बराबर हो, फिर एक देश उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं जिनकी जरूरतें अलग हैं, जिनकी परिस्थितियां अलग हैं, जिन पर सदियों से बहुत मुश्किलातें उठाना पड़ी हैं, और जिनको सब सहूलियातें, सब फायदे फैसिलिटीज मिले हैं, उनमें कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो, ऐसा उन्होंने रखा। और इसका एक प्रतीक, इसका एक उदाहरण है जीता जागता छठवां शेड्यूल, जो कि भारत को महान बनाता है, जो कि भारत को विश्व गुरु बनाता है, कि भारत सिर्फ समानता नहीं समता की बात भी करता है। तो ऐसे ही हम जो हक हमारा संविधान में है उसकी मांग कर रहे हैं, और जो हमारे भारत के नेतागण ने हमें वादा किया कि आपको हम छठवें शेड्यूल में लेंगे, उसका हम याद दिला रहे हैं। हम कोई कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जिससे भारत को तकलीफ हो। नेताओं को उनके वादे याद दिलाना, जो कि दो दो बार चुनावों में किए गए, चुनाव जीते गए, ये कोई हमारी तरफ से भूल या गलती नहीं होगी। वादे ना निभाना जरूर भूल हो सकती है, वादों को याद दिलाना भूल या गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी देश में। उसी तरह इसी संविधान ने हमें आर्टिकल 19 दिया, अनुच्छेद 19, जिसमें कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज कोई भी अपने मन की बात, जो उनकी जरूरतें हैं, बोल सकें। मगर दुर्भाग्य की बात है कि हम ये देखते हैं कि कभी कभी उस आवाज को भी कुचला जाता है। आज मुझे एक पत्रकार मिले जिन्होंने कहा कि कल जब वो यहाँ पर लोगों से इंटरव्यू लेके उनके अभिव्यक्ति को सम्मान देकर वो जा रहे थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपने कैमरे में लेके, तो बाहर उनसे वो कैमरा छीन लिया गया, उनके सारे फोटोज और वो इंटरव्यूज डिलीट कर दिया गया। तो ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा संविधान की इज्जत है, जिस संविधान में सबको बोलने का अधिकार दिया है, और ऐसे पत्रकार हमारी आवाज को देश तक, दुनिया तक ले जाते हैं, उन पर जबरदस्ती करके उनके सामान को तोड़ फोड़ दें, तो ये तो मुझे भारत के संस्कार नहीं दिखते। ये शायद चीन में होता है जहां कोई लोकतंत्र नहीं है, आज ये भारत में हो तो हमें बहुत दुख होता है। उसी तरह यही अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 डी हमें आजादी देता है, आजाद भारत में कहीं भी चलने का, घूमने का, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और जब हम कहते हैं कि हमारे ही भारत के जमीन, जो हमारे चरवाहे जहां पर बकरियां चराती हैं, वहां हम उनकी हालत देखने जाएंगे, तो हमको बहुत जैसे कोई देशद्रोही हो, उन पर बिल्कुल दफाएं जो बहुत संगीन हो, जो कि मतलब कहीं मार काट होने वाली हो, दफा 144 वो लगा दिया जाता है, या फिर इंटरनेट
का बंद कर देना, चारों तरफ पुलिस छावनी बना देना, ये एक लोकतंत्र को शोभा नहीं देती। जब शांतिपूर्ण लोग अपने ही इलाके में कहीं जाना चाहते हैं और उनको रोक दिया जाता है, तो ये भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे संविधान का एक तरह से ये उल्लंघन है, क्योंकि अगर भारत की जमीन है तो उस पे भारतीय नागरिक क्यों ना जाएं। फिर भी हम ये समझते हैं कि लद्दाख एक संवेदनशील जगह है, जहां पर सीमाएं मिलती हैं, विदेशी सीमाएं मिलती हैं, और ऐसे में जो हमने 10,000 लोगों के सीमा तक जाने की बात की, तो उससे हो सकता है कि उनकी चिंताएं बढ़ गई हों कि सीमा पर इतने सारे लोगों का जाना अच्छा नहीं है, या उससे कहीं शांति में कोई भंग ना हो, तो हम वो समझ सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर इस वजह से और सिर्फ इस वजह से आपने रोका कि हम लोग इतने बड़े संख्या में पश्मीना मार्च कर रहे थे, पश्मीना चरवाहों के जमीन को देखने जा रहे थे, तो अब आज के दिन संविधान के निर्माता अंबेडकर जी के जन्मदिन पर हम ये घोषणा करते हैं कि हम आपके चिंताओं को इज्जत करते हुए, ध्यान में रखते हुए, हजारों में नहीं, एक दो दर्जन लोग, और वो भी गाड़ियों में नहीं, पैदल जाएंगे, जो हमारे चरवाहे जो हिमाचल और लद्दाख के सीमा पर है, स्यांगचूथंग रूपशो खरनक के जो चरवाहे हैं, वहां पर हम पैदल जाएंगे। अब इसमें तो आपको कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, एक दो दर्जन लोग, एक दो हजार भी नहीं, अगर पैदल जाते हैं अपने ही सीमा के अंदर, हिमाचल के सीमा पर चरवाहों की जमीन को कैसे उद्योगों के नाम, बड़े बड़े परियोजनाओं के नाम दे दिया जा रहा है, वो अपना चरागा खो रहे हैं। यूं कही है कि जैसे हम अपने पूरे खानदानी जमीन और खेत खलियान खो दें, वैसा ही उनका चरागा है, उनके पास उस चरागे के अलावा कुछ नहीं है। तो ये क्या हो रहा है वहां पर, उनसे बिना पूछे, बिना समन्वय के, जैसा कि छठवें शेड्यूल में अनिवार्य है कि स्थानीय जनजातियों से पूछ के उनके समन्वय से ही ऐसे किसी परियोजना के लिए जमीन दिया जाए। जमीन देने से हमें अगर भारत के काम आए तो कोई एतराज नहीं है, मगर उनको कम हानि, भारत को अधिक से अधिक फायदा हो, ऐसे तरीके से तो लिए जाए। तो इसलिए हम एक मार्च करेंगे, जो कि बहुत थोड़े ही संख्या में, एक दो दर्जन लोग अपने ही चरवाहों से मिलने जाएंगे, और इस मार्च में हम शायद उपशी से शुरू करें, ऐसा अभी भी मीटिंग चल रहा है, ये कल के मीटिंग की बात बता रहा हूँ आपको, जो एपेक्स बॉडी में मीटिंग हुआ उसके अनुसार, कि हम अगर संख्याओं से समस्या है तो बहुत छोटे संख्या में और कई दिनों में हम एक पश्मीना मार्च करें, उनकी हालत को दिखाने के लिए। और ये सीमा पर भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भारत के आजाद जमीन पर है, भारत के आजाद नागरिक वहां चल के जाएं, तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद क्यांगचूथंग के बाद अगर सरकार को या प्रशासन को कोई एतराज नहीं हो, उन्हें कोई समस्या नहीं हो, तो और फिर और सिर्फ तब हम आगे सीमा पर भी जो चरागे हमें बताया जा रहा है कि खोए जा रहे हैं, हमारे चरवाहे बहुत सारा जमीन खो रहे हैं वहां अतिक्रमण के वजह से, तो उसकी सच्चाई क्या है वो भी देखने जाएंगे, अगर प्रशासन को कोई समस्या नहीं हो, वो हम उनसे पूछेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि ये प्रशासन के लिए और सरकार के लिए एक सुनहरा मौका है, जब वो कहते हैं कि एक इंच भी कहीं नहीं गया है, भारत में कुछ भी भारत की जमीन को नहीं हुआ है, तो सबसे सुनहरा मौका है ये कि वो दिखा दें लोगों को जाने के लिए, बल्कि और सहायता करें, मदद करें, और जाके देखें कि कुछ भी नहीं हुआ है, एक इंच भी फर्क नहीं पड़ा है। तो इससे पूरे देश को इत्मीनान होगा कि जो हमारे नेता कह रहे हैं वही सच हैं, और वो इन्हें मदद करके सीमा तक ले जा रहे हैं, और वो भी 10-20 लोगों की टोली। तो ये एक अच्छा मौका हम सरकार को दे रहे हैं कि वो हमारे साथ सहयोग करे और हमें वहां तक जाने दे। अगर वो नहीं कहते हैं तो हम उसे सर आंखों पर मानेंगे, मगर दुनिया फिर उन पर शक करेगी, दुनिया फिर
उन पर सोचेगी कि ऐसा क्या है, अगर एक इंच भी कहीं नहीं गया है तो फिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या छुपाने की बात है। तो इससे खामखा के अटकलें लगाए जाएंगे जो कि अच्छा नहीं होगा। और हमारी उम्मीद है कि ये 5 दिन तक जो हम स्यांगचुथक तक जाएंगे, उसके बाद अगर हमें अनुमति मिले, ये हम उन पर छोड़ते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सबूत देंगे कि भारत की जमीन पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर वो रोकें भी तो हम नहीं जाएंगे, हम पूरा सहयोग देंगे प्रशासन से, मगर संदेश उतना अच्छा नहीं जाएगा। तो यही फर्क है। बाकी जो मार्च है वो हम कल बहुत मीटिंग करने के बाद ये कह रहे थे कि 2-3 दिन के बाद करेंगे, और तब तक 17 अप्रैल की बात निकली कि हम तब उपशी से शुरू करें, और बताया ये गया कि 17 अप्रैल बहुत ही शुभ दिन है, वो भगवान श्री राम का जन्मदिन है, राम नवमी है, और भगवान राम वही थे जिन्होंने ये कहा था, जिनके आदर्श ये थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, जान चली जाए मगर वादे कभी नहीं टूटेंगे। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मानना है भगवान श्री राम के मंदिर बनाए, मूर्ति बनाए, तो जरूर हमें उम्मीद है कि उनके आदर्शों पर भी वो चलेंगे, और ये बहुत ही एक शुभ दिन को, रामनवमी को हम ये मार्च करेंगे, जिसमें कि जो लद्दाख के साथ वादे किए हैं उस पे हम उम्मीद करेंगे कि वो इसी आदर्श का पालन करेंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए, और हम शांति से भारत की जमीन, भारत के जो चरागे हैं वहां तक जाएंगे, और अनुमति मिला तो आगे जाएंगे। बाकी मैं ये कहूंगा अंत में कि जो ये हमारे मार्च की बात है, बहुत से लोग दिल्ली में बैठकर ये सोचते हैं कि ये हम कुछ समस्या पैदा कर रहे हैं, ये हम कुछ देश के खिलाफ कर रहे हैं, ये हम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारे जो चरवाहे हैं उनके समर्थन में कर रहे हैं। अगर आपको इसमें समस्या दिखती है तो फिर उनके साथ संवेदना नहीं है, जो अपनी जमीन खो बैठ रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों से कहूंगा कि आपको आपके घर से निकाल कर किसी फ्लाईओवर के नीचे ले जाएं और कहें कि आपका घर आज से चला गया है, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे, परियोजनाएं बनेंगे, तो आप पर क्या गुजरेगी। यही गुजर रहा है आज हमारे चरवाहों के पास साथ, क्योंकि उनकी जमीन, उनका घर वही चरागे हैं। वो अगर सैकड़ों किलोमीटर स्क्वायर छीन लिए जाते हैं उद्योगों के लिए, परियोजनाओं के लिए, तो वो बेघर होंगे, उन्हें अपने बकरियां बेचकर एक कुली की तरह शहरों में भटकना पड़ेगा। तो उनके दुख और दर्द को देखने के लिए और फिर आवाज ये देने के लिए कि आगे से ऐसा कोई भी परियोजना हो, देश के काम आए तो सर आंखों पर, मगर वो स्थानीय जनजातीय लोगों के समन्वय से करे ताकि उनको नुकसान कम हो, सिर्फ ये बात पहुंचाने के लिए हम वहां जाएंगे। मगर अगर इसे कहा जाए कि ये तो देशद्रोह ही है, ये तो इससे आजकल बहुत ऐसे बातें चला रहे हैं, तो हमें बहुत हैरानी होती है कि हम अपने वादे याद दिलाएं तो देशद्रोही कैसे हो जाते हैं। वादा तोड़े तो होते, मगर सिर्फ याद दिलाने से ये कहें कि लद्दाख के लोग चीन के एजेंट हैं या सोनम वांगचुक चीन के एजेंट है, तो वो सिर्फ एक सोनम वांगचुक को नहीं कह रहे हैं, पूरे लद्दाख को कह रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसी वजह से लोगों में एक एलियनेशन, जिसे कहते हैं दूरी, पैदा हो सकती है देश से, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम नहीं चाहते वो लोग जिन्होंने हर जंग में, हर युद्ध में भारतीय सेना के साथ मिलकर देश की रक्षा की, आज उन्हीं को हम कहें ये तो CIA के फंडेड हैं, ये तो चीन के फंडेड हैं। ये बचकनी हरकतें हैं जो शायद कोई डरा हुआ नेता कर रहा हो अपने कुछ गलतियों को छुपाने के लिए, वरना कोई भी अच्छा नेता भारत का ऐसा नहीं करेगा। ऐसे बचकने हरकतों को रोक देने की जरूरत है। हम देख रहे हैं बहुत से लोग इसमें व्यस्त हैं आजकल कि लद्दाख के लोगों को कैसे भारत विरोधी घोषित कर दिया जाए, या जो इस आंदोलन में है उनको तो करे ही, ऐसा कोई विरोध नहीं है, और होगा तो शायद ऐसे बचकने हरकतों के वजह से होगा, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि रहीम कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, जो प्यार का धागा है देश और लद्दाख के बीच में,
रहीमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाए, टूटने ना दो, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये धागा जो है प्रेम का, टूटे फिर ना जुड़े, और जुड़े तो एक गांठ पड़ी रह जाती है, वो पहले के जैसा नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों के तरफ से कि प्रशासन से या सरकार से या सरकारी एजेंसियों से ऐसा कोई काम शॉर्ट साइटेड, पल भर के फायदों के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे कि लद्दाख के दिलों में दूरियां पैदा हो या दिल को ठेस पहुंचे। तो इसलिए ऐसी बातें कहना अच्छी बात नहीं है। हम तो सिर्फ यहाँ के लोगों की दर्द सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी की पूरी आजादी है इसी संविधान में। तो उसमें हमारा सहयोग दें, न दें तो कम से कम विरोध ना करें। तो ये मैं आज इस मंच से संविधान के बारे में कहते हुए आप सभी से कहना चाहता था, और घोषणा ये करना चाहता था कि हम थोड़े ही संख्या में लोग आप में से जुड़ना चाहें जुड़ें, इस पश्मीना मार्च पर जाएंगे और गांव के लोग उनको हम समझाते जाएंगे कि ये कैसे हमारे संरक्षण की, हमारे पर्यावरण की संरक्षण करना कितनी जरूरी है। वो एक गांव से दूसरे गांव तक जुड़ें तो जुड़ें, वरना हमें कोई संख्या से मतलब नहीं है, ना ही हम किसी का हानि पहुंचाना चाहते हैं। हम सिर्फ अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं जिससे कि संविधान हमारी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो यही संविधान रक्षा करेगी, हमारी ये उम्मीद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ये आवाज पहुंचाते रहेंगे नेताओं से। मैं तो यही अंत में कहूंगा कि बजाय इसके कि लद्दाखियों में खामियां ढूंढने लगे कि ये लद्दाखी लोग बहुत गंदे हैं, ये एजेंट हैं, ये हैं, वो हैं, ज्यादा अच्छा होगा कि जो वादे हैं उन पर बात करें, उस पर आप हमारे नेताओं से बातचीत करें और वादे पूरे करने पर ध्यान दें, ना कि वादों को याद दिलाने वालों पर तमाम इल्जाम लगाकर उनको कालिक पोतने की कोशिश करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सभी का फिर धन्यवाद।